हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, तो आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं टू स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग साड़ी की। एंड पहली ड्रेपिंग है वाटरफॉल की। चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, सॉरी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो, मतलब इतना टाइम लग गया मुझे वीडियो पोस्ट करने में, उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो मैंने मेंशन कर दिए हैं, पहले ही बताए थे आपको, बट यस अब मैं रेगुलर रहूँगी, नो इश्यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल ड्रेपिंग, जिसमें कि हम नॉर्मल ड्रेपिंग से शुरू करेंगे। अपनी प्लीट्स अरेंज करेंगे फटाफट से। प्लीट्स अरेंज करने के, ये इस तरीके से प्लीट्स बनते हैं सबको पता ही है, ठीक है, उसमें कुछ न्यू नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब इसको अरेंज करेंगे हम जिस तरीके से नॉर्मल अरेंज करते हैं, और यहाँ पर हम इसको टक करेंगे इस पॉइंट पर। नॉर्मल टक करने के बाद में अब इसको हम देंगे फिटिंग। फिटिंग देने के बाद में साइड से ये जो बच गया है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम प्लीट के नीचे से लेकर आएंगे एंड प्लीट के नीचे से लेकर आके इसको टाइटन करेंगे और अपने यहाँ पर इसको टक करेंगे छोटा सा। और इसको टक करने के बाद में अब हमारा काम आता है कि हम बचे हुए पल्लू को अब कैसे ड्रेप करें, क्योंकि ये जो ड्रेपिंग है ये मोस्टली जो वाटरफॉल ड्रेप है ये पल्लू का आता है, ठीक है, पूरी साड़ी का नहीं आता है। तो अब क्या करना है आपको, एज पकड़ना है आपका, लास्ट वाला एज आपको होल्ड करना है इसमें अपनी साड़ी का, और जो भी फॉल आएगा एज इट इज़ अपने आप, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पकड़ते जाना है जो भी प्लीट्स अरेंज होते हैं या बनती हैं। बनने के बाद में आप इसको ऊपर एक टाई करेंगे वहीं पर, सॉरी, इसको टाई करने के बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है फैब्रिक पीछे से खींचकर आगे अपनी प्लीट्स के पास इसको ऐसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में आपने एक बेल्ट भी ले सकते हैं, कोई डोरी भी बांध सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। मेरे पास तो ये पड़ी थी तो मैंने इसको स्टाइल करने की कोशिश की। तो देखिए कितना अच्छा सा वाटरफॉल आपका आया है, कितनी प्यारी लग रही है ये, एकदम मॉडर्न स्टाइल में साड़ी आप ड्रेप कर सकते हैं शादी पार्टी के लिए, आप रेडी हो जाते हैं। जी हाँ, अब हम करेंगे नंबर टू, धोती स्टाइल ड्रेपिंग, जो कि आपको क्या करना है, आपको दो साड़ी का पार्टीशन करना है, हाफ हाफ करनी है। एक तरफ थोड़ी कम साड़ी लेनी है और एक तरफ ज़्यादा साड़ी लेनी है, ठीक है। कम साड़ी इन द सेंस कि पूरी साड़ी का आप 3/4 पार्ट ले सकते हैं एक साइड में, ठीक है, और जिधर पल्लू आएगा उधर की साइड में आपको ज़्यादा साड़ी लेनी है, और इस तरीके से आपको नॉट लगाना है, टाइट नॉट लगाना है, नहीं तो साड़ी आपकी निकल भी सकती है। और इस वीडियो को देखते देखते जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो इसको दूसरे जो छोटा वाला पार्ट है जो हमने लिया है अपने लेफ्ट साइड में, उसको पैर के नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए निकालेंगे, और ध्यान रखें कि पीछे से जब आप उसको खींच रहे हैं ऊपर हिप तक वो आए, हिप तक आने के बाद, नहीं तो अगर वो नीचे थाई तक रह जाएगा तो बार बार फिसलता रहेगा। तो हिप तक आने के बाद में आपको ऐसे प्लीट्स बनानी है जैसे आप नॉर्मल प्लीट्स बनाते हैं। प्लीट्स बनाने के बाद में उसको आपको अपने पीछे की तरफ यहाँ पर इसको टक कर देना है। टक करने के बाद आपका ये पीछे का जो एरिया है जो है, मतलब पीछे से टक हो गई धोती स्टाइल में, और साइड में ऊपर जो साइड का पल्लू रह जाता है, विड्थ ऑफ द साड़ी जो रह जाती है, उसको आपको लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे आप प्लीट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है गैदरिंग की है, मुझे गैदरिंग वाला अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरी साड़ी पर जो लुक जा रहा था वो अगर मैं प्लीट्स करती तो सारा छुप जाता, तो इसलिए मैंने इसका गैदरिंग किया है। गैदरिंग करके आपको इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो बॉर्डर ऑफ द साड़ी है ना वो अच्छे से दिखे, तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है उसको आपको ठीक कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसको टक कर सकते हैं अपने फ्रंट पे, आप इसको टक कीजिए, और जो भी जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको जो साड़ी का बॉर्डर है वो दिख नहीं रहा है वहाँ पे, आप इसको अरेंज कीजिए। अब दूसरा साइड का हम पल्लू लेंगे और सेम एज इट इज़ इसको भी सर्कल में पैर के नीचे से फोल्ड करते हुए, राउंड करते हुए लेकर आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने प्लीट्स बनाई और पीछे टक किया था, अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं भी सोच रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम आपको एट द एंड ऑफ द साड़ी आना है, और नॉर्मल जैसे कि आप पल्लू की प्लीट्स बनाते हैं वैसे ही आपको सिंपल प्लीट्स बनानी है, जो कि मैंने आपको बताई है कि एक तरफ जो नीचे की जो प्लीट्स होती है वो लेफ्ट साइड का आपको जानी चाहिए, एरो में जानी चाहिए, और जो राइट साइड ऊपर की प्लीट्स है, नहीं जो नीचे की प्लीट्स है वो राइट में, और जो ऊपर की प्लीट्स है वो लेफ्ट में होना चाहिए।
ठीक है। देखो इस तरीके से आप इसे अरेंज कीजिए, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रही ना तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि मैं उसको करेक्ट कर लूँगी, ठीक है। सॉरी मैं भी इंसान ही हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको ओपन अप कर देना है नॉर्मल पल्लू की तरह, इसमें कोई फास्ट एंड रूल नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। फिर नॉर्मल अगेन मैंने सेम बेल्ट से इसको स्टाइल किया है। सॉरी आई हैव ओनली वन बेल्ट, मैं अभी ऑर्डर करने वाली हूँ गर्ल, नहीं तो हाँ जी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सब्सक्राइब।